मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 71 साल इनकी उम्र है, पंजाबी समुदाय से आते हैं, अंबाला कैंट से विधायक हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर सीएम पद के दावेदार भी रहे। अंबाला कैंट से 2009 से लगातार वो विधायक हैं। जब 90 में सुषमा स्वराज के इस्तीफे के बाद वो उपचुनाव में वहां पर पहली बार विधायक बने थे। 1996 2000 में निर्दलीय 2 बार ये विधायक बने थे। कांग्रेस की बागी निर्दलीय जो चित्रा सरवरा है उनको हराया है उन्होंने इस बार, और 71 साल की उम्र में वो मंत्री बने। नायब सिंह सैनी की जो पिछली सरकार बनी थी उसमें उन्होंने इनकार कर दिया था मंत्री पद लेने से, अपनी वरीयता अपने एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उन्हें ये बात ठीक नहीं लगी थी। प्रधानमंत्री से मिलते हुए और गृहमंत्री से, जी बिल्कुल, मनोहर लाल की सरकार में गृह मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। दोनों का अभिनंदन स्वीकार करने के बाद एक मोमेंट आपने देखा पीएम के साथ, वहां पर उनका हाथ पकड़ के वो मंच पर मौजूद थे और 71 साल के अनिल विज अब मंत्री बन गए।